आज 20 जनवरी दिन है शुक्रवार और ये जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी जिले से जुड़ी हुई मुख्य समाचार ताज़ा और बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में गणित व भाषा की विशेष कक्षाओं के लिए शिक्षक को दिया जाएगा प्रशिक्षण, पूरे प्रदेश में चलेगा अभियान। राहत भरी खबर, आटे और गेहूं के जल्द घटेंगे दाम, सरकार बना रही है यह योजना। उत्तर प्रदेश के लिए रोड शो से पहले ही गुजरात में मिले 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज ने नहीं दी एंट्री, मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड लागू, प्रिंसिपल बोले कपड़े बदल कर क्लास में आए। आगरा के 26,000 किसानों की अटक सकती है पीएम किसान सम्मान योजना की अगली किस्त, जाने क्यों। आलू एवं सरसों किसानों को एडवाइजरी जारी, यह कर बचाएं अपनी फसल। शंकराचार्य सख्त, फिल्मों में अश्लीलता देवताओं का अपमान रोकने को धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी। विधानसभा बजट सत्र के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी, अखिलेश यादव ने मिशन 2024 को लेकर बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बड़ी राहत, 1800 करोड़ का टैक्स माफ किया गया। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विभागों में एमटीएस के 11,409 पदों पर होगी भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने सांसद विधायकों से किया संवाद, बोले जिसे पार्टी ने टिकट दिया वही आपका प्रत्याशी। हमीरपुर में खनिज विभाग ने 48 ओवरलोड ट्रक पकड़े, 15 लाख की राजस्व वसूली, वाहन मालिक और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में 3 विभागों में 14 पदों पर होगी भर्ती, यूपीपीएससी ने पहली बार दी संभावित साक्षात्कार की सूचना। उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कसेगा शिकंजा, जल्द घोषित होगा 1 लाख का इनाम। उत्तर प्रदेश में कचौड़ी, समोसा और जलेबी के बड़े दुकानदार भी जीएसटी विभाग के रडार पर, 200 प्रतिष्ठानों पर है निगाह। अब बिना बिजली ईंधन 100 मीट्रिक टन कचरे का होगा निपटारा, दिल्ली एनसीआर में पहली बार ब्लैक होल टेक्नोलॉजी मशीन का हो रहा इस्तेमाल। अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, सोने की 17 अंगूठी, 13 जोड़ी कुंडल समेत 4.5 लाख की आभूषण बरामद। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रवीण तोगड़िया बोले, पहले से हिंदू जागे होते तो पूरी दुनिया में होता हिंदू अपराध, अब सुधारी गलती। उत्तर प्रदेश के लखनऊ साइंस सेंटर में पसरा सन्नाटा, सभी खिलाड़ियों को घर भेजा गया, मीडिया के प्रवेश पर लगी रोक। भारत समझो यात्रा निकाले राहुल गांधी, केशव प्रसाद मौर्य बोले, मैंने कभी किसी को पप्पू नहीं कहा। लेह हादसे में औरैया जवान भी शहीद, बायलर पटनी और आग लगने से 9 चपेट में आई, 5 सैनिक चल बसे। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद काशी पहुंचे नड्डा, सीएम योगी समेत अन्य नेताओं ने भी किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गन्ना किसानों का 3 दिनों में होगा भुगतान, प्रशासन ने दिए यह निर्देश। बरेली से मुरादाबाद तक आज होगा रेल ट्रैक का स्पीड पर ट्रायल, 125 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। जानिए क्या है यूपी सरकार की अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग योजना, कैसे उठा सकते हैं आप सभी इसका लाभ। लखनऊ में खून का काला कारोबार, 1450 की जगह 6000 रुपए में बिक रहा है। ज्ञानमापी मामले में शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग पर हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया 8 सप्ताह का समय। सपा विधायक इरफान सोलंकी को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, कमेंट भी अपने जिला गांव का नाम जरूर लिखें। गणित व भाषा की विशेष कक्षाओं के लिए शिक्षक को दिया जाएगा प्रशिक्षण, पूरे प्रदेश में चलेगा अभियान। जी हां, खबर को जानना बेहद ही जरूरी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के कमजोर बच्चों को गणित व भाषा विषय में दक्ष बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। दोनों विषयों के शिक्षकों के लिए पूरे प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इससे बता दें कि शिक्षकों को कमजोर बच्चों की विशेष कक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए तैयार की गई विशेष शिक्षण सामग्री की जानकारी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश की आगरा के 26,000 किसानों की अटक सकता है पीएम किसान सम्मान योजना की अगली किस्त, जाने कहीं आपकी भी तो नहीं। जी हां, आगरा जनपद में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी 26,000 किसानों ने ईकेवाईसी नहीं कराई है। किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों की ईकेवाईसी के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर कोई के लिए यह नियम लागू होता है, अगर आप भी किसान सम्मान निधि का पैसा लेती हैं तो ईकेवाईसी जरूर करा लें, वरना आपकी अगली किस्त नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में आलू एवं सरसों किसानों को एडवाइजरी जारी, यह कर बचाएं अपनी फसल। जी हाँ दोस्तों, आप किसान हो ना हो, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अलीगढ़ के जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित कुमार जायसवाल ने जनपद के आलू एवं सरसों किसानों को एडवाइजरी जारी की है। अधिक जानकारी के लिए किसान 79050-9254 पर संपर्क कर सकते हैं। शंकराचार्य सख्त, फिल्मों में अश्लीलता, देवताओं का अपमान रोकने को धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में फिल्म वेब सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान, सनातन संस्कृति की छवि धूमिल करने के साथ ही अश्लीलता परोसने पर रोक लगाने के लिए गठित धर्म सेंसर बोर्ड की आज माघ मेला में गाइडलाइन जारी कर दी गई। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस बोर्ड की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया है कि यह बोर्ड केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पूरक होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बड़ी राहत, 1800 करोड़ का टैक्स माफ किया गया। जी हां दोस्तों, आपको जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आयकर विभाग ने एक बड़ी राहत दी है। विभाग की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगाया गया 1800 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया है। विगत दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में यह खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कचौरी, समोसा और जलेबी के बड़े दुकानदार भी जीएसटी विभाग के रडार पर, 200 प्रतिष्ठानों पर निगाह। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में कचौड़ी, जलेबी, समोसा और चाट टिकिया बेचने वाले बड़े दुकानदार भी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विभाग के रडार पर हैं। विभाग की टीम ने 2 सप्ताह में गोरखपुर मंडल में 200 से ज्यादा दुकानों पर रेकी करके टैक्स चोरी के साक्ष्य जुटाए हैं, साथ ही ठेकेदार और बिल्डरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। भारत समझो यात्रा निकाले राहुल गांधी, केशव प्रसाद मौर्य बोले, मैंने कभी किसी को पप्पू नहीं कहा। जी हां, बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगवानी के लिए वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर हमला बोला। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत समझो यात्रा निकालनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वैसे दोस्तों, आप इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। लेह हादसे में औरैया का जवान भी शहीद, बायलर फटने और आग लगने से 9 चपेट में आए, 5 सैनिक ने छोड़ी दुनिया। जी हां, लेह में हुए हादसे में औरैया का जवान भी शहीद हो गया है। 5 जवानों के साथ औरैया के अछलता के रहने वाले रामजी तिवारी की भी जान चली गई है। सूचना मिलते ही परिजनों समेत पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है, परिजन लेह के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं परिजनों के मुताबिक सेना की एक अधिकारी ने उन्हें फोन कर यह जानकारी दी। दोस्तों, शहीद जवान के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें, साथ ही भारत माता की जय भी लिखें। उत्तर प्रदेश के बरेली से मुरादाबाद तक आज होगा रेल ट्रैक पर स्पीड ट्रायल, 125 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। जी हां, हाई स्पीड ट्रेन संचालन के लिए उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल लगातार अपने ट्रैक मजबूत करने में लगा है। ट्रैक तो मजबूत कर दिए गए हैं, लेकिन आज स्पीड ट्रायल होगा। वहीं बरेली जंक्शन से स्पीड ट्रायल ट्रेन मुरादाबाद तक चलाई जाएगी, जिसमें बरेली से तमाम इंजीनियरिंग अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। स्पीड ट्रायल में देखा जाएगा रेल ट्रैक में 125 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलने पर कोई दिक्कत तो नहीं है। जानिए क्या है योगी सरकार की अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग योजना, कैसे उठाएं इसका लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए किफायती दरों पर किराए की आवास की योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स। इस योजना के तहत शहरी प्रवासी, गरीब मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, कारखाने के श्रमिक और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ता घर मिल रहा है।
बताने की योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं, कामकाजी महिलाओं, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधानसभा बजट सत्र के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में अखिलेश, मिशन 2024 को लेकर बनाई ये रणनीति। जी हां, समाजवादी पार्टी एक बार बड़े आंदोलन के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव से जनता का मूड भांपने व अपनी बात मजबूती से पहुंचाने के लिए खुद अखिलेश यादव अगले मार्च से पूरे प्रदेश को मथेंगे। उनकी योजना सभी 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की है। राहत भरी खबर, आटे और गेहूं के जल्द घटेंगे दाम, सरकार बना रही यह योजना। जी हां, आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर है, बहुत जल्द आटे और गेहूं के दाम घट सकते हैं। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा है कि गेहूं और आटे की रिटेल प्राइस बढ़े हैं और सरकार जल्द ही बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार नियमित रूप से गेहूं और आटे की कीमतों की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा है कि कीमतों को कम करने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, खबरों में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक शेयर ही हमारी इस मेहनत का फल होता है।